जोरावर सिंह और बाबूलाल भील की हत्या मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन विहिप और बजरंग दल की ओर से बुधवार को मौन जुलूस निकाला गया। सरदारपुरा सत्संग भवन से रवाना हुआ मौन जुलूस में बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गत बुधवार की रात एक एसयूवी ने पहले दो बाइकों को चपेट में ले लिया, जिससे बाबूलाल भील की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। इसका पीछा करते हुए जब जोरावर सिंह पांचवी रोड पहुंचा तो एसयूवी ने सवार आरोपियों ने जोरावर सिंह के जांघ पर चाकू से वार कर दिया। इसके कारण जोरावर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। एक सप्ताह बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। हम लोग यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए, जो अभी बहुत ही त्रासित घटना हुई। अपने अपने गाड़ियों को अनियमितता की ओर से ले करके चलते रहे और इनकी एक योजना बनी हुई है, और ऐसे आतताइयों के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लेकर के आया, ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन लेकर के आया, अभी कमिश्नर साहब को दिए। कमिश्नर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ऐसे आतताइयों के ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद में उनके ऊपर 302 का मुकदमा धारा लागू करके उनको जेल में डाला जाएगा, और ऐसा कोई भी आचरण करते हैं तो उनके ऊपर वही कानून लागू होगा जो सबके ऊपर होता है।